नमस्कार, मैं हूं दिव्या बिहारी, न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 30 सितंबर, दिन सोमवार। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 1 अक्टूबर से लागू होंगे कई नए नियम, आपकी जेब पर डाल सकते हैं असर। इसमें सुकन्या समृद्धि, श्रमिक, मजदूरी जैसे कई नियम है शामिल। बाढ़ की गंभीरता को देखते हुए विभाग हुआ अलर्ट, कई जिलों के डीएम तटबंधों का कर रहे निरीक्षण, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी हुई तैनात। एम्स ने 52 पदों पर निकाली भर्ती, बिना लिखित परीक्षा दिए एम्स में नौकरी का सुनहरा अवसर। 7 अक्टूबर है आवेदन करने की अंतिम तारीख। श्रद्धा पंकज त्रिपाठी की स्त्री 2 मचा रही धूम, स्त्री 2 के सामने नहीं चला देवरा का जादू। 45 दिनों में 612 करोड़ पहुंचा कलेक्शन। गेमिंग, एनिमेशन और फिल्म मेकिंग पर दिया गया जोर, क्रिएट इन इंडिया थीम के तहत 25 नए चैलेंज हुए शुरू। पीएम मोदी के मन की बात के 114वें संस्करण का आयोजन। क्या दूसरों को दे सकते हैं ट्रेन की कंफर्म सीट की टिकट? दूसरों को कंफर्म टिकट देने की क्या होगी प्रक्रिया, जाने रेलवे के नियम। रोहित शर्मा ने अपने संन्यास लेने की वजह का किया खुलासा, बढ़ती उम्र नहीं थी वजह। अभी भी फिट है रोहित, चैंपियंस ट्रॉफी पर है अब रोहित की नजर। अब चलिए बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड में ग्रुप सी में ऑफिस अटेंडेंट के पदों पर भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती कुल 108 पदों के लिए है। आवेदन प्रक्रिया 2 अक्टूबर से शुरू होगी और आवेदन करने की अंतिम तारीख 21 अक्टूबर है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट www.nabard.org पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के आवेदन के लिए उम्मीदवारों को 10वीं पास होना जरूरी है। उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। भर्ती से संबंध सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। 1 अक्टूबर से कई नियमों में बदलाव होंगे जो आपकी जेब पर असर डाल सकते हैं। इसमें सबसे पहला है एलपीजी की कीमत। हर महीने की पहली तारीख को ऑयल कंपनियां एलपीजी सिलेंडर के दामों का मूल्यांकन करती हैं, इसलिए इस तारीख को घरेलू और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकते हैं। CNG और PNG, इनकी कीमतें भी 1 अक्टूबर को संशोधित हो सकती हैं, जिसमें परिवहन खर्च बढ़ सकता है। HDFC बैंक ने कुछ क्रेडिट कार्ड के लिए रिवॉर्ड पॉइंट्स के नियम में बदलाव किए हैं जो 1 अक्टूबर से लागू होंगे। अब श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी 235 रुपये प्रतिदिन होंगे। सुकन्या समृद्धि योजना, इस योजना में बेटियों के अकाउंट का संचालन केवल कानूनी अभिभावक ही कर सकेंगे। अकाउंट ट्रांसफर ना होने पर ये बंद हो जाएगा। बिहार में कोसी और गंडक बैराज से रिकॉर्ड मात्रा में पानी छोड़ा गया है, जिसके चलते 20 जिलों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। जल संसाधन विभाग ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पूरी तैयारी कर ली है, जबकि दर्जन भर डीएम तटबंधों का निरीक्षण कर रहे हैं। बीते दिन आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की, जिसमें राहत शिविर और चिकित्सा शिविर की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। 7 जिलों में आपदा मोचन बल्कि 16 टीमों को तैनात किया गया है और SDRF और NDRF पूरी तरह से अलर्ट पर है। साथ ही बाढ़ पीड़ितों के लिए हेल्पलाइन नंबर 0612229402 और टोल फ्री नंबर 1070 जारी किए गए हैं। बिहार की राजधानी पटना में मेट्रो निर्माण का काम चल रहा है। मेट्रो निर्माण में हाल ही के महीनों में तेजी आई है। चर्चा है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पटना मेट्रो का पहला फेज तैयार हो जाएगा। इस फेज में कुल 26 स्टेशन बनाए जाएंगे, जो मलाही पकड़ी से न्यू ISBT एयरपोर्ट से पटना सिटी और तख्त हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे तक जुड़ेगा। इसके साथ ही आरा को मेट्रो रूट में शामिल करने की भी मांग तेज हो गई है। आरा की मेयर इंदु देवी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर बिहटा से आरा तक मेट्रो लाइन के विस्तार की मांग की है। उनका कहना है कि इससे आरा का विकास होगा। पटना के अलावे गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में भी मेट्रो शुरू करने की तैयारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 114वें संस्करण का आयोजन हुआ था। इस आयोजन में पीएम मोदी ने देशवासियों को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने नई जॉब्स के क्षेत्र जैसे गेमिंग, एनिमेशन और फिल्म मेकिंग के उभरने की बात की है। उन्होंने कहा है कि यदि आप इन क्षेत्रों में कुशल हैं तो आपको अपने टैलेंट को प्रदर्शित करने का बड़ा अवसर मिलेगा। भारत सरकार ने क्रिएट इन इंडिया थीम के तहत 25 नए चैलेंज शुरू किए हैं, जिसका उद्देश्य संगीत, शिक्षा और एंटी पायरेसी को बढ़ावा देना है।
प्रसार भारती द्वारा द बैटल ऑफ द ब्रांड्स और द सिम्फनी ऑफ इंडिया जैसे प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। विजेताओं को अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्मों पर भी अपने काम को पेश करने का अवसर मिलेगा, जिससे भारत की रचनात्मक उद्योग में वैश्विक पहचान बढ़ेगी। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप webindia.org पर जा सकते हैं। ऊर्जा विभाग ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करते हुए इसके कई फायदे बताए हैं। विभाग ने कहा है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर में बिल भुगतान पर छूट और ब्याज मिल रहे हैं। यहां सटीक बिलिंग होती है, दैनिक खपत की सही जानकारी मिलती है, बिजली खपत पर नियंत्रण और बचत भी होता है। इसका लाभ लोग घर बैठे सुविधा ऐप्स के जरिए भी ले सकते हैं। आपको बता दें कि स्मार्ट मीटर को लेकर कई भ्रांतियां फैल रही थी, जिसमें मीटर रीडिंग में त्रुटियां, हर शिकायत के लिए ऑफिस जाने की बात कही जा रही थी, लेकिन विभाग ने अब इन अफवाहों को दूर कर दिया है। अगर आप BSNL यूज़र हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल कंपनी ने एक किफ़ायती रिचार्ज प्लान लॉन्च किया है, जो 60 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान की कीमत ₹345 है, जिसमें रोजाना 1 GB डेटा और 100 फ्री SMS मिलते हैं। डेटा खत्म होने के बाद स्पीड 40 KBPS रहेगी। ये प्लान उन यूजर्स के लिए बेहतरीन है जिन्हें कॉलिंग, SMS और डेटा बेनिफिट्स चाहिए। BSNL का ये प्लान जियो और एयरटेल से भी सस्ता और फायदेमंद है। हाल ही में कंपनी ने जुलाई में 29 लाख नए ग्राहक जोड़े हैं, जबकि अन्य कंपनियों को नुकसान हुआ है। आप किस सिम कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बिहार की टीम बीते दिन BCCI द्वारा आयोजित अंडर 19 T20 टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए चेन्नई रवाना हुई। चेन्नई में ये टूर्नामेंट 1 से 8 अक्टूबर तक आयोजित होगा। इस दौरान बिहार की टीम कुल 5 मैच खेलेगी। 1 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के खिलाफ SSN ग्राउंड चेन्नई में टीम का पहला मुकाबला होने वाला है। टीम के खिलाड़ियों को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से शुभकामनाएँ दी गई। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स पटना में सीनियर रेजिडेंट के 52 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार 7 अक्टूबर 2024 तक एम्स पटना की वेबसाइट aimspatna.edu.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क सामान्य या OBC के लिए ₹1500, SC ST EWS के लिए ₹1200, जबकि भूतपूर्व सैनिक, महिलाएं और PWD उम्मीदवारों के लिए ये शुल्क 0 है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से होगी। चयनित उम्मीदवारों को 7वें CPS के अनुसार 67,700 प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा, जिसमें NPA और अन्य भत्ते शामिल होंगे। अधिक जानकारी के लिए आप आधिकारिक नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। पहली से 8वीं कक्षा तक की अर्धवार्षिक परीक्षा का मूल्यांकन प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में देखने को मिल रहा है। ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर मूल्यांकन के बाद बच्चों का विषयवार अंक अपलोड किया जाएगा, जिससे डिजिटल तरीके से भी प्राप्त अंकों को संधारित किया जा सके। इसके लिए प्रति छात्र की दर से 15 पैसे डेटा ऑपरेटरों को दिए जाएंगे। प्राप्त अंकों की पोर्टल पर 3 अक्टूबर तक एंट्री की जानी है। फिर अभिभावक और शिक्षक की बैठक स्कूल में 5 अक्टूबर को आयोजित होगी, जिसमें अभिभावकों को बच्चों के मूल्यांकन पत्र दिखाए जाएंगे। भारत में वाहनों को राज्य के अंदर और बाहर जाने पर टोल टैक्स चुकाना होता है। ये टोल टैक्स फास्टैग के माध्यम से डिजिटल तरीके से हम भुगतान करते हैं। इसमें कतार में लगने और मैनुअल भुगतान की आवश्यकता समाप्त हो गई है। हालांकि कभी कभी फास्टैग से डबल टोल टैक्स भी कट जाता है। अगर ऐसा होता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI की टोल फ्री नंबर 1033 पर कॉल करके शिकायत कर सकते हैं। आपकी शिकायत सही पाए जाने पर आपको रिफंड 20 से 30 दिनों में आपके फास्टैग अकाउंट में कर दिया जाएगा। यदि NHAI से समाधान नहीं मिलता है तो आप अपने बैंक या नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI से भी शिकायत कर सकते हैं। जरूरी जानकारी देने पर आपको रिफंड दे दिए जाएंगे। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे HC वर्मा के बारे में। इनका पूरा नाम हरीश चंद्र वर्मा है। इनका जन्म 3 अप्रैल वर्ष 1952 में बिहार के दरभंगा में हुआ था। ये भौतिकी शिक्षण के लिए लोगों के बीच प्रसिद्ध हैं। बच्चों को आसान भाषा में समझाने के लिए इन्होंने कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स की रचना की थी। इन्हें वर्ष 2020 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक स्त्री 2, जो श्रद्धा कपूर और बिहार के पंकज त्रिपाठी के साथ अमर कौशिक द्वारा निर्देशित है। ये फिल्म 1.5 महीने से सिनेमा घरों में धूम मचा रही है। फिल्म ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की है।
जबकि हाल ही में रिलीज हुई देवरा पार्ट एक ने थोड़ी चुनौती पेश की थी। शनिवार को स्त्री 2 ने 2.20 करोड़ का कलेक्शन किया, जबकि शुक्रवार को ये 1.09 करोड़ पर रुकी थी। 45 दिनों में फिल्म का घरेलू नेट कलेक्शन 612.91 करोड़ के आसपास पहुंच गया है, जबकि वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 857.92 करोड़ तक पहुँच चुका है। देवरा ने हिंदी में केवल 17 करोड़ की कमाई की है, जो अपेक्षाकृत कम है। भारत में अधिकांश लोग ट्रेन से सफर करना पसंद करते हैं। कभी कभी अचानक जरूरी काम आ जाने पर लोग अपनी यात्रा को कैंसिल करने पर मजबूर हो जाते हैं, खासकर जब तत्काल में कंफर्म टिकट हो गई हो जहां रिफंड नहीं मिलता। ऐसे स्थिति में टिकट ट्रांसफर का विकल्प है। भारतीय रेलवे के अनुसार आप अपनी कंफर्म टिकट को केवल परिवार के सदस्यों जैसे माता पिता, भाई बहन और पति पत्नी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर करने के लिए 24 घंटे की समय सीमा होती है। यदि आप अपनी टिकट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो रेलवे के काउंटर पर जाकर टिकट का प्रिंट आउट और ट्रांसफ़र होने वाले व्यक्ति के पहचान पत्र जमा करने होंगे। नेपाल में रिकॉर्ड तोड़ बारिश का असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में चक्रवात के कारण भी बिहार के अधिकतर जिलों में इसका असर देखने को मिला। आज भी प्रदेश में कई जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। प्रदेश में आज उत्तर पश्चिम भाग के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन या वज्रपात होने की संभावना के बीच येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री रहने की संभावना है। जमुई के जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा के नाम पर व्हाट्सएप के जरिए फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया है। एक शख्स ने खुद को डीएम बताकर एक व्यक्ति से 50,000 रुपए की मांग की। उन्होंने कहा कि वो एक जरूरी मीटिंग में है और पैसे भेजने का अनुरोध किया। जमुई डीएम के कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि ये पूरी तरह से फर्जी है और उन्होंने किसी से पैसे नहीं मांगे हैं। कार्यालय ने इस मैसेज को नजरअंदाज करने की अपील की है और मामले में कानूनी कार्रवाई की तैयारी भी की जा रही है। बक्सर के ऐतिहासिक किला मैदान में 21 दिवसीय विजयदशमी महोत्सव 2024 का भव्य शुभारंभ हुआ। समारोह की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चारण और गणेश पूजन से की गई है। इस दौरान रामलीला का उद्घाटन भी किया गया, जिसमें शिव सती लीला का मंचन किया गया। इस आयोजन को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। समिति सचिव वैकुंठ नाथ शर्मा ने बताया कि ये परंपरा आज़ादी के पूर्व से चली आ रही है और इसे भव्यता प्रदान करने का प्रयास जारी रहेगा। वृंदावन प्रसिद्ध मंडली इस बार रामलीला का मंचन कर रही है। कार्यक्रम का समापन दशहरा के तीसरे दिन भरत मिलाप और राम के राज्याभिषेक के साथ होगा। पहले दिन शिव विवाह प्रसंग का मंथन किया गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने 2025 की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के सुरक्षित रूप से आयोजित करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए बोर्ड ने एक नई CCTV पॉलिसी लागू की है। ये पॉलिसी सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों, देश और विदेश दोनों के लिए है। जिन स्कूलों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे उन्हें अपने परीक्षा हॉल में CCTV इंस्टॉल करना अनिवार्य होगा। CCTV का कवरेज परीक्षा हॉल के प्रवेश निकास द्वार और डेस्क पर होना चाहिए। प्राचार्यों को निर्देश दिया गया है कि परीक्षा के दौरान CCTV लगातार चालू रहे। छात्रों को CCTV की जानकारी देने के लिए साइनेज और ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बिहार में राजनीतिक गतिविधियों में यात्राओं का महत्व बढ़ता ही जा रहा है। पहले नीतीश कुमार यात्रा पर निकलते थे, अब प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी भी यात्रा कर रहे हैं। इसी क्रम में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी 21 से 29 नवंबर तक 160 किलोमीटर की पद यात्रा करेंगे, जिसका उद्देश्य सनातनियों को एकजुट करना है। उन्होंने कहा कि अगर हालात नहीं सुधरे तो भारत बांग्लादेश बन जाएगा और यहाँ अत्याचार सहन नहीं किया जाएगा। गया में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि शांति और मोक्ष की भूमि गया जी में जल्द ही दिव्य दरबार लगेगा, लेकिन पितृपक्ष में किसी को कठिनाई नहीं हो इसलिए अभी कथा नहीं होगी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की बिहार यात्रा के पहले चरण का समापन हुआ, जिसके तहत रविवार को 5 जिलों अरवल, औरंगाबाद, रोहतास, भोजपुर और सारण में कुशवाहा की यात्रा पूरी हुई है। पार्टी को मजबूत करने के लिए कुशवाहा का ध्यान इस यात्रा पर केंद्रित है। दूसरे चरण की यात्रा 17 से 20 अक्टूबर तक होगी, जिसमें वे मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी और दरभंगा का दौरा करेंगे। तीसरे चरण की यात्रा 24 से 27 अक्टूबर तक निर्धारित है, जिसमें कुशवाहा जहानाबाद, गया, भभुआ और बक्सर जाएंगे। हर चरण में सदस्यता महापर्व के अंतर्गत नए सदस्यों को पार्टी से जोड़ा जाएगा। ये कार्यक्रम पार्टी के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है।
उन्होंने कहा है कि चुनाव परिणाम के दिन नीतीश ने उन्हें फोन कर सलाह मांगी थी, लेकिन शाम होते होते वे फिर से मुख्यमंत्री बन गए। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार की सरकार को 3S यानी सर्वे, शराबबंदी और स्मार्ट मीटर के जरिए निशाना बनाया, ये कहते हुए कि ये बिहार के लिए समस्या बन चुके हैं और ये सभी सीएम नीतीश के राजनीतिक ताबूत के आखिरी किल है। साथ ही उन्होंने 4 रिटायर्ड अधिकारियों के हाथ में बिहार का भविष्य छोड़ने के लिए नीतीश पर भी हमला किया है। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय T20 से संन्यास का ऐलान किया था। अपने इस संन्यास को लेकर उन्होंने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने हाल ही में कहा है कि यह निर्णय बढ़ती उम्र के कारण नहीं बल्कि सही समय पर आगे बढ़ने के लिए था। रोहित ने एक यूट्यूब चैनल पर बताया कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद नए खिलाड़ियों को मौका देने का सही समय था। वो अभी भी तीनों प्रारूपों में खेल सकते हैं और अपनी फिटनेस को लेकर आत्मविश्वास रखते हैं। अब उनकी नजरें अगले साल की चैंपियंस ट्रॉफी पर है, जिसे भारत ने 2013 के बाद नहीं जीता है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के ही दिन वर्ष 1687 में औरंगजेब ने हैदराबाद के गोलकुंडा के किले पर कब्जा किया था। आज के ही दिन वर्ष 2003 में विश्वनाथन आनंद ने विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीता था। आज के ही दिन वर्ष 2009 में प्रख्यात पार्श्व गायक मन्ना डे को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। आज के ही दिन वर्ष 1837 में पंडित श्रद्धा राम शर्मा का जन्म हुआ था। ये एक हिंदी और पंजाबी साहित्यकार और स्वतंत्रता सेनानी थे। आज के दिन वर्ष 1970 में भारत की शॉटपुट और जेवेलियन थ्रो की खिलाड़ी दीपा मलिक का जन्म हुआ था। एक YouTube चैनल सरकारी सूचना के वीडियो थंबनेल में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार महिलाओं को फ्री स्कूटी योजना के तहत 75,000 रुपए देगी, लेकिन आपको बता दें कि ये खबर पूरी तरह से फर्जी है। इस तरह की खबरों पर यकीन करने से बचें। केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। PIB फैक्ट चेक ने भी इस खबर को शेयर करते हुए फेक बताया है। नेपाल और सीमावर्ती राज्यों में लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण बिहार में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। नेपाल से पानी छोड़े जाने से कोसी और महानंदा जैसी नदियां उफान पर है और राज्य की सभी नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। इसी बीच राज्य सरकार ने अधिकारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी है और बाढ़ के लिए अलर्ट जारी किया है। अब बाढ़ को लेकर विपक्षी पार्टी RJD सरकार पर हमला कर रही है। लालू प्रसाद की बेटी मिसा भारती और रोहिणी आचार्य ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाया है कि अगर सरकार सजग होती तो ये हालात नहीं बनते। मिसा ने कहा कि अधिकारियों ने बाढ़ की तैयारी क्यों नहीं की, जबकि रोहिणी ने कहा कि मुख्यमंत्री चुनाव के समय ही जागेंगे। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसका जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है बॉस्टन, ऑप्शन बी है लॉस एंजलिस, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उपयुक्त दोनों। हाल ही में भारत ने कहां G7 संस्कृत मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ब्राजील, ऑप्शन डी इटली। इसका सही उत्तर है इटली। हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है? ऑप्शन ए छवि वर्ग, ऑप्शन बी प्रांजल प्रिया, ऑप्शन सी है रिया सिंह, ऑप्शन डी अंजलि दमानिया। इसका सही उत्तर रिया सिंह। बुद्ध की प्राचीन मूर्ति किस स्थान पर प्राप्त की गई थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है बक्सर, ऑप्शन सी है बोधगया, ऑप्शन डी है नालंदा। इसका सही उत्तर है बोधगया। बिहार पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 1961, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1984, ऑप्शन डी 1992। इसका सही उत्तर है 1961। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जिनके नाम है पिंटू कुमार, नुनू, गोलू कुमार, राजीव कुमार, अंशु कुमारी, श्याम नंदन चौधरी, राम नवमी मांझी, प्रमोद राम, वीरेंद्र कुमार, अतीक खान, सुभाष प्रसाद, मोतीलाल कुमार, बिंदास शर्मा, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, सुहाना अली खान, राजा कुमार, उमेश यादव। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है,
कि आपके क्षेत्र में भी बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।